हल्द्वानी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी की है, जमकर नारेबाजी हुई है। कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री वापस जाओ, सस्ती शराब बंद करो जैसे नारे लगाए। हल्द्वानी के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कुमाऊं के दौरे पर और यहां तस्वीर देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरे का विरोध किया। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। दिनेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर हल्द्वानी से। दिनेश, जिस तस्वीर को हम देख पा रहे हैं, गुस्सा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का है, केवल विरोध करने के लिए विरोध है, ये हंगामा है या फिर कुछ और इसके पीछे की सच्चाई? देखिए पंकज, जब से उत्तराखंड सरकार ने शराब को सस्ती करने का फैसला लिया है, तब से बाद से कांग्रेस को एक नई एनर्जी मिली है। और कल भी हल्द्वानी में जो लालटेन यात्रा हुई थी, उसके बाद से कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि जमकर भीड़ उस कार्यक्रम में पहुंची थी। तो लिहाजा अब 2022 के मिशन में जुड़ने के लिए कांग्रेस छोटे छोटे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। और आज यहाँ पर पिछले 29 दिनों से जो सर्किल रेट के विरोध में सरकार ने बढ़ाए हैं, उसके विरोध में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया है मुख्यमंत्री का। और इसके साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जो है जमकर विरोध किया है। और जो सस्ती शराब करने का मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है, सरकार ने फैसला लिया है, उसके खिलाफ ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। इनका कहना है कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, सर्किल रेट 300 गुना कर दिए गए हैं और खाद्य सामग्री बढ़ रही है, किराया बढ़ गया है, बिजली का बिल बढ़ गया है, लेकिन प्रदेश में शराब को आपने सस्ती किया है, तो इन सभी चीजों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिसको काफी संख्या में आज जो है पुलिस ने जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता, उन सबको हिरासत में लेकर अभी अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। दिनेश, कल लालटेन यात्रा के दौरान एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस ने की, इस यात्रा में जो सरकार के विकास को खोजने के लिए यात्रा कांग्रेस निकाल रही थी, उसमें गुटबाजी पर विराम लगाने की कोशिश हुई, जिस बात को बार बार कहा जाता है कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, लेकिन आज की तस्वीर में क्या था? जी बिल्कुल, कल जो कांग्रेस ने मैसेज देना चाहा, वो मैसेज बिल्कुल लोगों तक पहुंच गया है। लिहाजा आज भी कांग्रेस जो है हर प्रोटेस्ट में अब एक एकजुटता से दिख रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस की एनर्जी जो है अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आज का जो प्रोटेस्ट है, ये इस बात को दर्शाता है कि जिस तरह कांग्रेस अब सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने लगी है, उसके पीछे की वजह यही है कि धीरे धीरे अब सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर जो है वो मुखर जा रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा फिलहाल इस जानकारी के लिए।